यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और भाई आज हम दोपहर से खेलने जा रहे हैं भाई फिरो वाइस टाउन। गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। नहीं गाइज, आज म्यूटेंट को ग्रैंडी एंड ग्रैंडपा ने अपने घर में किडनैप कर रखा है। गाइज मेरे पास आई थी अभी भी टिप्सन बोस की कॉल। गाइज टिप्सन बोस बोल रहे थे कि आज उस ग्रैनी के घर को हमें स्किप ही करना है और तो गाइज म्यूटेंट को भी छुटा करके लाना है। okay. तो गाइज आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। एंड चैनल पर न्यू हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी गाइज फटाफट से ना, ओ भाई मेरा गाइज ये ट्रक पता नहीं कहाँ पर ही खड़ा था, लेकिन अभी फटाफट से मैं टिप्सन बोस के पास चलता। ओ भाई गाइस मैंने लगा दी लॉन्ग जंप। तो अभी मैं गाइस सीधे टिप्सन बॉस के पास ही चलता हूं। पता नहीं गाइस उस ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने म्यूटेंट को कितना ही मार रखा होगा। पता नहीं गाइस ये म्यूटेंट का बच्चा अकेले अकेले ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के घर क्यों पहुंच गया। गाइस उसको पता नहीं वो ग्रैनी एंड ग्रैंडपा कितने खतरनाक होते हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैं टिप्सन बॉस के घर आ चुका हूं। अरे टिप्सन बॉस, एक मिनट रुक रो, फिर उस म्यूटेंट की कॉल आ रही है। हां म्यूटेंट। ओए टिप्सन बॉस मुझे बचा लो, इस ग्रैनी ने मुझे मार रखा है, एक पिंजरे में बंद कर रखा है भाई। अरे रो फिरो, मैंने तेरे पास इसीलिए कॉल करी थी। वो म्यूटेंट का बच्चा पता नहीं वहाँ पर क्यों गया ग्रैनी के घर, और उसको तो किडनैप कर लिया उस ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने। रो फिरो, पहले तो हमने उसकी ट्रेन ही चुराई थी और अब के तो रो फिरो उसके घर को तोड़ देंगे। जल्दी से रो फिरो म्यूटेंट को छुटा के ला। टिप्सन बॉस आज मैं उसके ग्रैनी के घर को पूरे को तोड़ दूंगा और म्यूटेंट को छुटा कर लाऊंगा। रो फिरो अभी तो जल्दी से जा, रात का टाइम हो चुका है और वो ग्रैंडपा तो अपने घर में सो रहा होगा। उसके गन को उठा के उसी को तोड़ देना रो फिरो। अरे टिप्सन बॉस तुम नहीं जानते हो कितना खतरनाक होते हैं ग्रैंडपा, लेकिन उसको तो आज मैं ग्रैनी के डंडे से बहुत मारूंगा और उस ग्रैनी को भी नहीं छोड़ूंगा। ए, वो ग्रैनी तो बहुत खतरनाक है, दोनों को मार डालेगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। रो फिरो जल्दी से जा, म्यूटेंट को बहुत ही मार रखा होगा उस ग्रैनी ग्रैंडपा ने। अरे टिप्सन बॉस मैं तो अभी वहाँ पर 2 मिनट में पहुँचा और उस ग्रैनी को तो आज मैं बहुत मारूंगा और म्यूटेंट को छुटा कर अपने वाइस टाउन में लाऊंगा। तो गाइस अभी जल्दी से उस ग्रैनी के हॉरर हाउस में चलते हैं एंड गाइस वहाँ से म्यूटेंट को छुटा कर लाते हैं। और गाइस आज उस ग्रैनी और ग्रैंडपा को भी मार कर ही आएंगे, क्योंकि गाइस वो पता नहीं हर बार किसी को किडनैप ही कर लेती है। तो फाइनली गाइस अभी मैं अपने वाइस टाउन के स्टेशन पर आ चुका हूँ और गाइस यहाँ से ही मैं ग्रैनी के घर जाऊंगा और उसकी बैंड बजाऊंगा। तो गाइस अभी चलते हैं ग्रैनी के घर। बुड्ढे ग्रैंडपा, वो इस म्यूटेंट के बच्चे को छुटाने जरूर आएगा। ग्रैनी इधर से वो बच कर नहीं जाएगा, उसकी तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। और कहाँ पर है रोपिरो? ओए बुड्ढे ग्रैंडपा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, उसको ही मारना, रोपिरो को मुझे छोड़ दे। जैसे ही वो तुझे छुटाने आएगा दोनों को मार दूंगी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के घर। और गाइस इनका घर जो है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके घर को गाइस स्किप करना बहुत ही ज्यादा भारी है एंड गाइस आज मैं इसके घर को स्किप करके छोड़ूंगा। और गाइस पता नहीं इस म्यूटेंट को गाइस कहाँ पर किडनैप कर रखा होगा, लेकिन यार गाइस इसका घर ना इतना बड़ा है ना, पता नहीं गाइस मैं इसको कैसे स्किप कर पाऊंगा। लेकिन फटाफट से गाइस इसी गेट से हमको यहाँ से स्किप होना है। और अभी मैं गाइस आगे चलता हूँ एंड पता नहीं गाइस वो ग्रैंडपा एंड ग्रैनी कहाँ पर ही होगी। ओ भाई यार ये कौन बंद कर रहा है, ऐसा मत करो भाई। मतलब कि गाइस ये गेट भी बंद हो चुका है, मतलब कि गाइस गेट तो ऑलरेडी बंद था। और भाई ये पता नहीं गाइस ये पुल जो है ना गाइस वो भी बंद हो चुका है। तो अभी गाइस फटाफट से मैं इस ग्रैनी के घर में चलता हूँ और गाइस म्यूटेंट को देखता हूँ और यहाँ से भाग जाते हैं। तो फटाफट से गाइस अंदर चलता हूँ भाई। मुझे पता था तू जरूर आएगा, तो ओ भाई गाइस यार इसने तो इतनी ज्यादा खतरनाक गन उठा रखी है और भाई तो मेरे सिर पे मारा जा रहा है। मतलब कि गाइस इसके पास गन भी इधर ऑलरेडी है, लेकिन गाइस अभी तो हमें यहाँ से स्किप करना है ना। तो फटाफट से गाइस मुझे यहाँ पर लॉक पिक मिल चुकी है और जल्दी से इस गेट को खोलता हूँ। एंड गाइस पता नहीं वो म्यूटेंट को भी कहाँ पर दुबका रखा होगा, अभी तो गाइस मेरा मतलब कि किडनैप कर रखा होगा। तो अभी तो गाइस जल्दी से इस गेट को खोलता हूँ मैं एंड गाइस फटाफट से बाहर चलता हूँ। और गाइस पिछली बार तो गाइस हमने यहाँ से ट्रेन को स्किप किया था, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लेना, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन गाइस आज हमें इसके घर को भी स्किप करना है, लेकिन गाइस मुझे अकेले इस घर को स्किप नहीं करना, मुझे म्यूटेंट को भी छुटाना है। एंड गाइस सबसे पहले मैं ट्रेन के पास चलता हूँ। क्या आप तो उस म्यूटेंट के बच्चे को इधर ही किडनैप कर रखा हो, इधर भी नहीं है म्यूटेंट, तो गाइस पता नहीं कहाँ पर ही है। और भाई ये सायरन तो गाइस बजी जा रहे भाई, अभी तो मुझे लग रहा है म्यूटेंट। ओ नहीं गाइस यार इसने तो मतलब कितनी ज्यादा रोल मचा दी ना, और मुझे पता है वो। ओ भाई नहीं,
भाई ये स्लेंडी ना बिना गाइस कहीं से भी आ जाती है। अभी तो फटाफट से मैं इस गेट को ओपन करता हूँ। एंड गाइस जैसे इसकी घंटी बजी ग्रैनी इधर जरूर आएगी और गाइस मैं इधर के रास्ते से ना ऊपर पहुंच जाऊंगा क्योंकि गाइस मुझे ना अभी कुछ वाइपन्स भी चाहिए इन दोनों को मारने के लिए। बट अभी तो गाइस वो आती होगी मुझे पता है, एक सेकेंड इसको तो घेर देता हूँ मैं, थोड़ी पीछे हो जाता हूँ मैं और वो आती होगी। ओ भाई गाइस ग्रैनी तो आ चुकी है और मैं भी इधर से फटाफट से निकल जाता हूँ, बस मुझे वो ग्रैंड पा आगे ना मिले। अगर गाइस वो मुझे आगे मिल गया ना तो गाइस मुझे वो बहुत ही बुरा मारेगा, उसके पास गाइस काफी खतरनाक गन होती है। एंड गाइस अभी तो मैं फटाफट से चलता हूँ। इधर क्या है भाई, इधर तो गाइस ये जो है ना ट्रेन को स्किप करने का कुछ आइटम है लेकिन गाइस इसको आज मैं नहीं लूंगा। और भाई मुझे लग रहा है ग्रैनी मेरे पीछे आ रही है, बात ही करती आ रही भाई साहब, और बस वो दादा ग्रैंड पा इधर ना हो। तो गाइस अभी तो मैं ऊपर चलता हूँ, गाइस कहीं ग्रैंड पा मुझे ऊपर से डायरेक्ट ऊपर ही ना पहुंचा दे। तो अभी फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ ग्रैंड पा के रूम में। बट गाइस यार मैं इधर क्या ही करूंगा, ना तो गाइस मेरे पास वेपन की है और गाइस कहीं गलती से वो ग्रैंड पा ऊपर आ गए तो भाई वो तो मुझे मार ही डालेगी। ओ भाई गाइस मुझे यहाँ पर मिल चुके जनरेटर केबल, यानी कि गाइस इससे ना हम पूरे इस घर की ना इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर सकते हैं। और गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम गाइस जो बाहर का गेट है ना वो कैसे तोड़ सकते हैं। इधर तो गाइस चेक कर लेता हूँ मैं, इधर तो भाई माचिस रखी है और इधर कुछ भी नहीं है अभी तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर ना हमें कुछ लाकर लगाना है जैसे कि गाइस हमारा बाहर का डोर पता नहीं गाइस टूट भी सकता है बट गाइस हम यहाँ से उस गेट को देख सकते हैं। तो फटाफट से गाइस अभी मैं ऊपर चलता हूँ, इस क्रो के पास देखता हूँ कुछ ना कुछ तो गाइस होता है। एक सेकेंड भाई यहाँ पर तो कॉइन पड़ा है गाइस, इस कॉइन के ओ भाई मेरे को मार रहा है यार, मतलब कि गाइस मेरे को इस कॉइन की जरूरत भी नहीं है और मैं इसको उठाता भी नहीं। तो फाइनली गाइस इस केबल को ना नीचे फेंक देता हूँ, बस मुझे याद रहना चाहिए कि गाइस मैंने इसको कहाँ पर गिरा क्योंकि गाइस बाहर एक जनरेटर रखा होता है जिसको गाइस मुझे एक की से खोलना होगा और गाइस इस केबल को मुझे वहां पर लगाना होगा। लेकिन गाइस अभी ना यार मुझे किसी वेपन की जरूरत है। ओ भाई नहीं मुझे वेपन की जरूरत नहीं है भाई, ग्रैनी आ गई वेपन का नाम सुनते ही, लेकिन मुझे पता है यार डरफोक ग्रैनी गाइस इधर कभी नहीं आएगी। तो फटाफट से गाइस मैं बाहर निकलता हूँ। एंड गाइस इधर से ना एक सेकंड गाइस इसको चेक करता हूँ मैं, यार ये तो मैंने देख लिया यार इधर माचिस पड़ी है तो ये माचिस मेरे साउंड करने के काम आएगी। तो अभी यार इधर ना हो बस, तो फटाफट से गाइस अभी मैं नीचे चलता हूँ। यार वो ग्रैनी तो इधर थी, ओ भाई अभी इधर ना हो बस। तो गाइस जल्दी से ना फटाफट से सबसे नीचे चलता हूँ क्योंकि गाइस मुझे वेपन की ना उधर से मिल सकती है एंड ग्रैंडपा के रूम से ना। ओ भाई बस इधर ना हो यार कोई, ओ भाई मुझे तो लग रहा है गाइस पीछे कोई है। ओ भाई अभी गाइस यार इधर से निकल ही जाता हूँ क्योंकि गाइस अगर वो ग्रैंड या ग्रैंड पा होना तो गाइस वो मुझे मार डालेंगे। एंड सबसे पहले गाइस मैं इधर छिप जाता हूँ, भाई वो ग्रैंड यार कहाँ से आ जाती है पता भी नहीं चलता। इधर तो गाइस वो नहीं आई, मुझे लग रहा है गाइस इधर नहीं है। फटाफट से गाइस उठता हूँ एंड गाइस फटाफट इधर से सब कुछ चेक करता हूँ मैं क्योंकि गाइस इधर ना कुछ भी मिल सकता है। और ओ भाई गाइज मुझे वेपन की मिल चुकी है और गाइज अभी मेरे हाथ अगर वेपन लग गया ना तो गाइज इस ग्रैनी एंड ग्रैंड पा की तो मैं वाट ही लगा दूंगा। लेकिन अभी तो गाइज मुझे इधर से जाकर ना सीधे ये वेपन की को ना ले जाकर ग्रैंड पा के रूम में ले जानी है। एंड गाइज वहाँ पर हमें एक वेपन मिलता है, गाइज इधर तो कुछ भी नहीं है अभी गाइज मुझे। ओ नहीं ओ भाई साहब गाइज यार कहाँ से आ जाती है, नहीं ग्रैनी ग्रैनी नहीं ग्रैनी बच्चों को मारती है। ओ भाई नहीं नहीं ग्रैनी, ओ भाई गाइस यार अभी तो मैं इससे बच चुका हूँ लेकिन गलती से अगर वो ग्रैंडपा आ गया ना गाइस वो तो मार ही डालेगा। अभी तो मैं इधर से ना गाइस ये कुछ यहाँ से ना स्टोन इकट्ठे कर लेता हूँ क्योंकि गाइस वो जो मुझे वेपन मिलने वाला है ना गाइस वो स्टोन ही उस पर लग कर मारे जाते हैं। अभी तो गाइस जल्दी से ना ऊपर चलता हूँ, बस इधर ग्रैनी ना हो यार, ग्रैनी को तो मैं भी उधर छोड़ कर आया हूँ ना तो ग्रैंडपा ना हो बस इधर। गाइस अभी मैं ऑलरेडी गाइस इधर आ चुका हूँ और गाइस इधर से ग्रैंडपा का वेपन निकालता हूँ और सबसे पहले उस ग्रैंडपा को ही मारता हूँ। यार ऑलरेडी गाइस मुझे यहाँ से सीलिंग शॉट मिल चुके हैं और गाइस ऑलरेडी मेरे पास एक पत्थर भी है। इधर गाइस कोई भी आए तो मैं इससे इसका ही सिर फोड़ दूंगा, मतलब कि गाइस इधर अगर ग्रैनी या ग्रैंडपा आया ना मुझे तो डर भी लग रहा है यार, आई थिंक ये साउंड करता हूँ एंड तभी वो इधर आ पाएंगे। तो गाइस इधर कोई नहीं है, अभी बाहर चलता हूँ। ओ ग्रैंडपा नहीं तेरी तो ऐसी थी तैसी, अभी तू गन इधर दे और पहले फुर्सत में यहाँ से तू भाग, फटाफट से इधर से निकल ले और गाइस बाकी वो ग्रैनी उसको भी मार डालूंगा। लेकिन एमो गाइस एमो किधर, ओ नहीं 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 भाई सिलेंडरी ना गाइस इसको तो एमओ, ओ भाई एमओ मुझे मिल चुकी है और ग्रैनी उसको भी गाइस मार करके सबसे पहले धराता हूँ मैं। और ग्रैनी कहाँ पर है फटाफट आ जा, एक सेकेंड पहली फुर्सत में निकल। तो ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पर इन दोनों को मार डाला और गाइस अभी बाकी का गाइस, लेकिन मुझे यहाँ से स्किप होने का कुछ आइटम्स। ओ भाई साहब गाइस मुझे यहाँ पर फ्यूज मिल चुका है और गाइस ये फ्यूज लगते हैं ऊपर, तो फटाफट से गाइस मैं उधर चलता हूँ एंड गाइस इस फ्यूज को वहाँ पर लगा कर रहता हूँ। लेकिन भाई भाई साहब ग्रैनी ने ना अपना ट्रैप इधर बिछा चुकी है, मतलब कि गाइस बहुत तेज होती है ग्रैनी। तो ऑलरेडी गाइस अपने इस फ्यूज को मुझे इधर लगाना है एंड गाइस हमारे यहाँ सर, लेकिन
गाइज अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि गाइज अभी ना मुझे यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी को चालू करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे कहाँ पर, एक सेकेंड गाइज, सबसे पहले ना मैं नीचे चलता हूँ एंड अपनी गन को उठाता हूँ। गाइज क्या पता वो कभी भी ना ग्रैंडपा और ग्रैनी जाग सकते हैं और गाइज पता नहीं वो मुझे कब मार डाले, लेकिन गाइज सबसे पहले ना मैं अपनी गन को उठाता हूँ और गाइज इधर से ना मैं इस एमओ को लेता हूँ एंड गाइज सबसे पहले मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि गाइज मुझे ना वहाँ पर ही इलेक्ट्रिसिटी को चालू करना होगा। एंड गाइज एक सेकेंड गाइज मुझे ना भाई इधर तो गाइज मैंने चेक कर लिया, गाइज सबसे पहले मैं नीचे चलता हूँ एंड गाइज उधर से ना क्रोबार को उठाकर लाता हूँ क्योंकि गाइज उस क्रोबार से मुझे काफी सारे आइटम्स मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इसको शूट करना पड़ेगा। ऑलरेडी गाइज इसको मैंने शूट कर चुका हूँ और जल्दी से गाइज अंदर आता हूँ मैं एंड इधर से तो गाइज मुझे कुछ मिल सकता है। एक सेकेंड इसको खोलता हूँ, भाई इधर तो कुछ भी नहीं है और गाइज इधर एक क्रो, ओ भाई नहीं 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 स्लेंडी ना गाइज बहुत डराती है, बट अभी मुझे गाइज इधर से स्किप होना है ना, इधर से क्रोबार उठाता हूँ एंड बाहर चलता हूँ, बस वो ग्रैंड यार इधर ना जाए। बट अभी तो गाइज मैं उसको मार कर आया हूँ ना गाइज, वो भी जिंदा नहीं होगी। एक सेकेंड इधर मैं चेक करता हूँ और भाई इधर एक की पड़ी है, ए शेड की, ओ भाई साहब, मतलब कि गाइज अभी मैं चलता हूँ और इस एक सेकेंड सबसे पहले इस क्रोबार को इधर रखता हूँ, गाइज मैं उठाता हूँ अपनी ए शेड की को और सबसे पहले तो गाइज मैं अपनी गन उठाता हूँ क्योंकि गाइज वो ग्रैनी और ग्रैंडपा मुझे पता है जिंदा हो चुके होंगे और वो मुझे पता है इधर ही आने वाले होंगे, लेकिन अभी गाइज इधर कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इस ए शेड की को उठाता हूँ एंड गाइज इसको ना उधर लेकर चलता हूँ जहाँ पर अपना जनरेटर रखा होता है और उधर से गाइस इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देता हूँ। तो ऑलरेडी गाइस मैं इधर आ चुका हूँ और सबसे पहले ना गाइस, एक सेकेंड गाइस, अभी तो मैंने अपना केबल भी नहीं उठाया, एक इधर चेक करता हूँ। भाई गाइस मुझे ना यहाँ से इलेक्ट्रो स्विच मिल चुका है, गाइस इसको उठाता हूँ एंड गाइस मुझे नहीं पता क्या इससे ही इलेक्ट्रिसिटी चालू हो सकती है, लेकिन गाइस मैं जो है ना रिक्स नहीं लेना चाहता, फटाफट से ना इस केबल को उठाता हूँ एंड गाइस जनरेटर को भी ओपन करके आ जाता हूँ, तभी गाइस यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी और गाइस अभी ना फटाफट से ना इसको लगाता हूँ एंड गाइज इस घर में लाइट आ जाएगी, तो इधर इसको लगाता हूँ एंड इस स्विच को दबा देता हूँ। तो ऑलरेडी गाइज जनरेटर चालू हो चुका है और अभी मैं फटाफट से ना यार इधर तो इधर कुछ नहीं, ओ भाई इधर सिलेंडर ना थी भाई, इधर से तो गाइज मैं फटाफट निकलता हूँ एंड गाइज, ओ भाई नहीं ग्रैनी ग्रैनी नहीं, मैं तो इधर कुछ नहीं कर रहा था, ओह भाई नहीं रुकने की बात कर रही है ग्रैनी, इधर से तो मैं भाग ही जाऊंगा। तो गाइस अभी फटाफट से मैं अपने स्विच को उठाकर भाग ही जाऊंगा, तो गाइस अभी फटाफट से मैं नीचे चलता हूँ और गाइस स्विच को लगाता हूँ एंड गाइस इलेक्ट्रिसिटी तो शायद इधर से चालू हो चुकी होगी एंड गाइस फिर भी मैं इसको लगा करके आता हूँ और भाई वो ग्रैनी मेरे पीछे ना यार बस, तो फटाफट से, ओ भाई ये तो गाइस सभी जगह ना अपने ट्रैप बिछा देती है और गाइस अभी जल्दी से ना हम यहाँ से स्किप होने वाले हैं, तो फाइनली गाइस इसको ना जल्दी से लगा करके आता हूँ, बस सायरन 2 मिनट के लिए चुप जाओ भाई, तो फटाफट से ना गाइस इसको इधर से निकालता हूँ एंड गाइस सबको मैं इनको ओपन कर देता हूँ। तो ऑलरेडी गाइस, ओ भाई जल्दी से भाई ये ग्रैंड इधर, ओ नहीं 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 भाई सिलेंडर ना, तो गाइस अभी इधर से बाहर चलता हूँ और गाइस अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बट गाइस मुझे लग रहा है वो ग्रैंड इधर आती होगी, सबसे पहले डोर बंद कर लेता हूँ एंड गाइस अभी इधर छिप जाता हूँ मैं। गाइस ओ भाई ग्रैंड तो गाइस इधर से निकल चुकी है एंड मैं बाहर चलता हूँ, भाई ये दद्दा कहाँ से आ गया, ओ भाई साहब यार इसने तो गाइस मुझे मार डाला एंड गाइस अभी कोई बात नहीं, अभी अपना एक दिन हुआ है एंड गाइस हम तो यहाँ से स्किप होने वाले हैं, बस गाइस मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, वो भी गाइस उधर लगाने का होता है कुछ एंड गाइस उधर से हम उसको घुमाकर बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस अभी फटाफट से अपना क्रोबार उठाता हूँ एंड गाइस अभी ना सिर्फ एक क्रोबार की पेटी बाकी है जहाँ पर मैंने चेक नहीं करा, तो ऑलरेडी गाइस अभी ना मैं वहाँ पर चलता हूँ एंड गाइस वहाँ से ना उसको देखता हूँ, यार मुझे वो उधर मिल जाए ना तो गाइस हम यहाँ से स्किप ईजिली हो जाएंगे। तो ऑलरेडी गाइस फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ, तो गाइज अभी ना फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ एंड गाइज इधर से ना इस पेटी को चेक करता हूँ और भाई, ओ भाई साहब गाइज मुझे मिल चुका है एंड गाइज इसको लगा करना मैं यहाँ से स्किप हो जाएंगे, तो फटाफट से गाइज मैं नीचे चलता हूँ एंड अपनी लिफ्ट को नीचे के लिए दबा देता हूँ और फाइनली गाइज अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, बस यार अभी यार वो गाइज ग्रैनी एंड ग्रैंडपा बस इधर ना आ जाए। तो फाइनली गाइज अभी ऑलरेडी, ओ भाई गाइज मुझे तो लग रहा है कोई आ रहा था, लेकिन अभी जल्दी से ना गाइज इसको वहाँ पर लगा कर आता हूँ जहाँ पर गाइज वो पुल अपना नीचे हो जाएगा और गाइज हम यहाँ से ईजिली स्किप हो जाएंगे, लेकिन यार ग्रैनी ग्रैनी ये फिर से आ चुकी है, लेकिन इसको तो मैं इतने लगा ही दूंगा। तो फाइनली गाइज ये ऑलरेडी अपना चालू हो चुका है और ग्रैनी तो गाइज मुझे अभी तक ग्रैनी ने मुझे देखा भी नहीं है एंड गाइज ये तो जा रही है, अभी गाइज ऑलरेडी हम यहाँ से स्किप हो चुके हैं। ओ भाई ये क्या है यार, गाइज मतलब कि ये तो अभी बंद ही पड़ा है, मुझे तो पता नहीं गाइज अभी क्या होगा
यार, लेकिन मेरा क्या ही रह गया यार, अभी तो फटाफट से ना यार, एक ग्रैनी भी इधर खड़ी है, अभी मैं कहाँ पर ही जाऊँ। गाइस मुझे लग रहा है ना, एक सेकंड पहले इसको जाने देते हैं। एंड यार, ओ भाई 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 भाई, मैं तो नन्ना मुन्ना राई हूँ, इधर से निकल ही जाता हूँ भाई साहब। गाइस मुझे लग रहा है ना, इधर मैंने गाइस कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी। एंड ऑलरेडी गाइस मुझे बटन दबाना था, एंड गाइस अपना गेट का जो लॉक है ना वो टूट चुका है। और गाइस अभी हम यहाँ से ना स्किप हो जाएंगे, तो फाइनली गाइस अभी भाग कर चलते हैं। एंड यहाँ से भाग ही जाते हैं भाई साहब, और बस इधर कोई ना आ जाए यार। ग्रैंड पना, ओ भाई ये तो भाई साहब इधर ही था यार। अभी गाइस मैं क्या ही करूं भाई, नीचे ग्रैनी है और गाइस ऊपर ग्रैंडपा। अभी गाइस मेरा क्या होगा। लेकिन गाइस एक सेकेंड, मैं जो है ना ऊपर के रास्ते से चलता हूँ। हाँ गाइस ये शॉर्टकट का रास्ता है यार, लेकिन वो ग्रैंडपा तो गाइस मुझे मार ही डाल था। ऑलरेडी गाइस इधर मैं आ चुका हूँ, और गाइस नीचे से ना एक रास्ता होता है, तो फाइनली गाइस इधर से मैं जंप लगाता हूँ। एंड गाइस अभी ना हम यहाँ से एस्केप हो ही जाएंगे, इधर तो कोई भी नहीं है। और अभी गाइस अपना म्यूटेन भी आने वाला होगा, तो फटाफट से कहाँ पर यार म्यूटेन, म्यूटेन के बच्चे जल्दी से आ जाओ। ओ नहीं सिलेंड्रीना गाइस, ओ भाई ओए ओए, रो पिरो जल्दी चल भाई, वो आती होगी। और रो पिरो गेट खोल भाई। ओए म्यूटेंट के बच्चे ये ले जल्दी से यहां से भाग। तो फाइनली गाइस हमने यहां से ग्रैनी के घर को स्किप कर लिया है। तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ए बुड्ढे ग्रैनी तू कहां सो रही थी? ओए रो पिरो के बच्चे मैं तुझे